वेलकम डियर। देखिए ये जो इसे हमने ले लिया है 2022 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैकेनिक्स का, ठीक है। आइए आज हम लोग जो इसे इसका डिस्कशंस करते हैं, देखते हैं क्या है इसमें। तो आइए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा कि ए बॉडी ऑफ वेट 30 न्यूटन रेस्ट ऑन ए हॉरिजॉन्टल फ्लोर, ए ग्रेजुअली इंक्रीजिंग हॉरिजॉन्टल फोर्स इज अप्लाइड टू द बॉडी व्हिच जस्ट स्टार्ट मूविंग व्हेन द फोर्स इज 9 न्यूटन, द कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द बॉडी एंड द फ्लोर विल बी। यानी कि आपसे पूछा गया है, कहा गया है कि से एक बॉडी है जिसको हमने एक फ्लोर पे रखा है, ठीक है। और ये फ्लोर पे जो कि इसका वेट जो है 30 न्यूटन है, ठीक है। तो वेट आपका 30 न्यूटन नीचे की ओर लगेगा। जैसे ही आपको वेट के बारे में बोला जाए तो आँख मूंद करके आप नीचे लगा दीजिए वेट, ठीक है। जस्ट उसके ऊपर सरफेस जो है उसका नॉर्मल रिएक्शन लगा दीजिए, ठीक है। एक तरफ आप अप्लाइड फोर्स पी लगा दीजिए और दूसरी तरफ आप उसका फ्रिक्शन फोर्स लगा दीजिए एफ एल। हम यहाँ पर लगा रहे हैं क्योंकि 9 न्यूटन पर ये जस्ट अबाउट टू मूव है, तो कहने का मतलब ये है कि लिमिटिंग फ्रिक्शन ही लगेगा, है ना। तो आपको जो है इस केस में अभी ये चलने चलने को हुआ, चल नहीं रहा, तो इसका मतलब ये है कि अभी इक्विलिब्रियम में है, तो ऊपर वाला फोर्स नीचे वाला के बराबर हो जाएगा, लेफ्ट राइट साइड फोर्स जो है लेफ्ट साइड के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो दोनों को आप बराबर करेंगे तो आपको क्या आ जाएगा, तो आप देख रहे होंगे कि से आपका एन इज इक्वल टू जो है 30 न्यूटन आ जाएगा और एफ एल जो है से आ जाएगा आपका कितना, तो 9 न्यूटन आ जाएगा, ठीक है। अब कोफिशेंट ऑफ फ्रिक्शन की अगर हम बात करें तो कोफिशेंट ऑफ फ्रिक्शन हमारा होता है लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स और नॉर्मल रिएक्शन फोर्स का रेशियो। तो आप इसका रेशियो ले लीजिए तो 9/30 यानी कि 1/3/10 आपका जैसे आंसर आ रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे 3/10 आपका जैसे ए में ऑप्शन सही है, ठीक है। कभी कभी ये पॉइंट में भी दे सकता है तो आप इसको कर ले सकते हैं, ठीक है। उम्मीद है कि ये आपको समझ में आ गया होगा। अब आते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है कहता है कि द फ्रिक्शन बिटवीन द ऑब्जेक्ट्स दैट आर स्टेशनरी इज कॉल्ड, यानी कि वैसा फ्रिक्शन जब बॉडी स्टेशनरी हो तब लगे तो उस फ्रिक्शंस को हम क्या नाम से जानेंगे, ठीक है। तो वैसे फ्रिक्शंस को हम लोग पहला तो कि आप जब बॉडी रेस्ट में रहता है तो उस सिचुएशन को हम लोग बोलते हैं स्टैटिक, यानी कि बॉडी जैसे कि सिचुएशन है तो स्टैटिक सिचुएशन में है, और स्टैटिक में जब फ्रिक्शन फोर्स लगेगा तो उसको हम लोग स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स के नाम से जानेंगे, ठीक है। बॉडी जब रेस्ट में होता है तो उस सिचुएशन को हम स्टैटिक कहते हैं, और स्टैटिक सिचुएशन में लगने वाले फ्रिक्शन को हम स्टैटिक फ्रिक्शन के नाम से जानेंगे, या फिर ये कह सकते हैं कि बॉडी जब रेस्ट में रहता है तो उस पर लगने वाले फ्रिक्शन को हम लोग स्टैटिक फ्रिक्शन कहेंगे, ठीक है। अब बात ये है कि ये स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स जो है ना ये सेल्फ एडजस्टेबल नेचर का होता है। ये कैसा होता है, तो सेल्फ एडजस्टेबल नेचर का होता है आपका, ठीक है। तो अब ये भी आप याद रख सकते हैं कि स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स सेल्फ एडजस्टेबल नेचर का होता है, और साथ ही साथ एक बात और याद रखिएगा कि स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स का मैक्सिमम वैल्यू को हम लोग लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स कहते हैं, ठीक ना। यानी कि एफ एस मैक्सिमम जो होता है इसको हम लोग लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो ये भी आप याद रख सकते हैं, ठीक है। और आगे अगर हम डायनेमिक फ्रिक्शन के बारे में बात करें तो डायनेमिक फ्रिक्शन जब बॉडी अगर चल रहा हो, ठीक ना, चाहे वो रोल करके चले या फिर स्लाइड करके चले, दोनों ही केस में फ्रिक्शन जो लगता है उसको हम लोग डायनेमिक फ्रिक्शन के नाम से जानेंगे, ठीक है। दूसरा अगर हम काइनेटिक फ्रिक्शन की बात करें तो जब बॉडी आपका स्लाइड करके चलता है यानी कि रगड़ के चलता है, ठीक ना, बॉडी जो है एक सरफेस दूसरे सरफेस पर रगड़ के चल रहा है यानी कि स्लाइड करके चल रहा है, तो उस तरह उस पर लगने वाले फ्रिक्शंस को हम लोग काइनेटिक फ्रिक्शन या स्लाइडिंग फ्रिक्शन के नाम से जानते हैं, ठीक ना। यानी कि स्लाइड करके चलने पर बॉडी पर स्लाइडिंग फ्रिक्शन या काइनेटिक फ्रिक्शन आता है। वहीं अगर हम बॉडी को रोल करवाएं, अगर बॉडी आपका रोल करके चल रहा है यानी साइकिल से आप जा रहे हैं, तो साइकिल के चक्के में और रोड के बीच में लगने वाले फ्रिक्शन को हम लोग रोलिंग फ्रिक्शन कहेंगे, ठीक है। यानी कि रोलिंग फ्रिक्शन में बॉडी जैसे रोल करके चलेगा, ठीक है, तो उस पर लगने वाले फ्रिक्शंस को हम लोग रोलिंग फ्रिक्शंस के नाम से जानते हैं, ठीक है। अब ये याद रख सकते हैं आप। अब नेक्स्ट क्वेश्चंस पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि इफ ए लैडर लीन्स अगेंस्ट अ स्मूथ वर्टिकल वॉल देन द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द लैडर एंड द वॉल विल बी। देखिए आप एक्चुअली में जो है आप देखिए कि लैडर, हम मान लेते हैं कि ये हमारा दीवार है, ये हमारा नीचे ग्राउंड सरफेस है, ये हमारा जैसे लैडर यहाँ पे हमने लगा दिया, ठीक है। ये यही सिचुएशन आप बना सकते हैं ना, ये हमने लैडर बना दिया। अब बात ये है कि से लैडर जो है से आपका तभी वर्क करेगा जब
ये इस पर फ्रिक्शन लगेगा, ठीक है, नहीं तो ये नीचे आ जाएगा, ठीक है। और फ्रिक्शन लगने की एक कंडीशन होती है कि फ्रिक्शन में जो है जो कॉन्टैक्टिंग सरफेस, यानी कि यहाँ पे कॉन्टैक्ट बन रहा है, यहाँ पे कॉन्टैक्ट बन रहा है, तो ये दोनों ही पॉइंट जो है क्या होना चाहिए, रफ होना चाहिए। दोनों ही पॉइंट क्या होना चाहिए, रफ होना चाहिए। और यहाँ पर दिया है आपका स्मूथ वर्टिकल वाल, यानी कि ये वाल जो है आपका क्या है, स्मूथ है। स्मूथ होते ही आपका फ्रिक्शन क्या हो जाएगा, जीरो। फ्रिक्शन आपका क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है। जहाँ पर भी आपका सरफेस स्मूथ हुआ, आप आँख मूंद करके जैसे फ्रिक्शन को क्या कर देंगे, जीरो कर देंगे। यहाँ पे आपका फ्रिक्शन क्या हो जाएगा, दीवार और लैडर के बीच का जैसे फ्रिक्शन जो हो गया वो जीरो हो गया। लेकिन वही अगर हम मान लेते हैं कि से ये रफ वाल रहता, ठीक है, यानी कि ये स्मूथ ना होकर के क्या रहता, रफ वाल रहता, तो रफ वाल रहता तो ये पॉइंट जैसे आपका इधर जाना चाहता और ये पॉइंट नीचे आना चाहता, तो यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स जो लगता आपका अपोजिट में लगता और यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स ऊपर की ओर लगता, ठीक है। यहाँ पे फ्रिक्शन आपका राइट में लगता, यहाँ पे फ्रिक्शन ऊपर की ओर लगता, ठीक है, ये आप दिमाग में रखेंगे, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि द कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द सरफेस इज 0.3, द एंगल ऑफ फ्रिक्शन विल बी, यानी एंगल ऑफ फ्रिक्शन कितना होगा। तो आपको याद होगा कि टेन फाइ या टेन थीटा, अगर एंगल ऑफ फ्रिक्शन को थीटा माने तो टेन थीटा इज इक्वल टू होता है म्यू, यानी कि कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन। तो यहाँ पे हम लोग थीटा अगर लिखेंगे तो कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन हमारा 0.3, तो टेन यूनिवर्स म्यू हो जाएगा। तो टेन यूनिवर्स म्यू, तो म्यू जो है कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन जो कि 0.3 है, तो टेन यूनिवर्स 0.3 हो जाएगा हमारा। देख लीजिए टेन यूनिवर्स 0.3 कौन सा है, टेन यूनिवर्स 0.3 बी ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगर इसी तरीके का क्वेश्चन अगर मान लेते हैं कि आपका एंगल ऑफ फ्रिक्शन ना देकर के एंगल ऑफ रिपोज भी पूछता ना, तो उसमें भी आपका आंसर जैसे सेम ही होता, ठीक ना, क्योंकि एंगल ऑफ फ्रिक्शन और एंगल रिपोज दोनों सेम होता है, ठीक ना। एंगल ऑफ फ्रिक्शन और एंगल ऑफ रिपोज जैसे दोनों क्या होता है, सेम होता है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कहता है कि फोर अ सॉलिड कोन ऑफ हाइट एच द सी जी लाइज ऑन द एक्सिस एट अ डिस्टेंस ऑफ, यानी कि जब आप कोन को देखते हैं, ये हमारा कोन है, ठीक है, तो ये इसका हाइट हो जाएगा। तो ये हाइट अगर एच है तो यहाँ बेस से, ये इसको हम बेस बोलते हैं, बेस से ऊपर जो इसका सी जी लाई करेगा, इसका जो सी जी लाई करेगा वो कितना दूरी पे होगा, तो एच, ये ए वाला डिस्टेंस आपका एच बाई फोर होगा। नीचे से बेस से ऊपर की ओर कितना, एच बाई फोर होता है। वहीं अगर हम अपेक्स से नीचे की ओर आते हैं, यानी कि इसके वर्टिसेस से नीचे की ओर आते हैं, तो थ्री एच बाई फोर हो जाएगा, ठीक है। कोन, सॉलिड कोन में आपका इस तरह के चीज़ों को याद रखना पड़ेगा, ठीक है, यानी कि बेस से ऊपर की ओर एच बाई फोर और अपेक्स से नीचे की ओर जो है सी जी आपका थ्री एच बाई फोर डिस्टेंस पे होता है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि द फर्स्ट मोमेंट ऑफ एरिया अबाउट एनी एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंट्रॉयड इज, यानी कि कोई एरिया है, ठीक है, लेट इट बी अ ट्रायंगल, मान लेते एक ट्रायंगल है, इसका यहाँ पे सेंट्रॉयड है, यानी कि सी है आपका सेंट्रॉयड, और इससे एक एक्सिस हम गुजार दिए, ठीक है, इस सेंट्रॉयड से हम एक्सिस गुजार दिए। अब आपसे पूछे कि इसका एरिया अगर ए रहे तो इसका इस एक्सिस के अबाउट कितना होगा मोमेंट, ठीक ना, मोमेंट कितना होगा। तो मोमेंट इज इक्वल टू, यानी कि क्यू इज इक्वल टू होता है एरिया इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस आइदर एक्स और वाई। ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहाँ से नापा जाता है, तो एक्सिस से सेंट्रॉयड तक के डिस्टेंस को हम लोग परपेंडिकुलर डिस्टेंस नापते हैं, इसमें मोमेंट के कैलकुलेशंस में, ठीक है। तो ये हमारा एक्सिस है और इसका सेंट्रॉयड से पास कर रहा है, तो हमारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना हो गया, जीरो। तो क्यू हमारा, यानी कि मोमेंट जो हो जाएगा, एरिया मोमेंट क्या हो जाएगा, फर्स्ट मोमेंट ऑफ एरिया, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, तो एरिया गुना जीरो, एरिया गुना जीरो, इसका मतलब यानी कि जीरो हो जाएगा टोटल, है ना। तो फर्स्ट, यानी कि इससे हम लोग कंक्लूड ये किए कि किसी भी एरिया का मोमेंट जो है ना, अगर हम सेंट्रॉयडल एक्सिस से देखते हैं, सेंट्रॉयडल एक्सिस से देखते हैं, तो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है। किसी भी एरिया का मोमेंट जो है सेंट्रॉयडल एक्सिस, यानी वैसा एक्सिस जो सेंट्रॉयड से पास कर रहा हो, तो उसका मोमेंट ऑफ एरिया क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, आप याद रख सकते हैं। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है सेंट्रॉयडल डिस्टेंस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड 3 मीटर फ्रॉम एनी ऑफ द साइड इज, यानी कि सेंट्रॉयडल डिस्टेंस इक्विलेटरल ट्रायंगल का कितना होगा किसी भी साइड से। तो मान लेते हैं कि ये हमारा जो है एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसका साइड जो है सबका सेम रहेगा, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो समबहुभुज सम त्रिभुज हो गया, ठीक है। तो अब जो है हम अगर बात करें तो ये आपका हाइट हुआ, तो अगर हम कहें कि समबाहु त्रिभुज में, यानी कि इक्विलेटरल ट्रायंगल में एच यानी कि हाइट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है रूट थ्री बाई
रूट थ्री बाई टू इंटू साइड, ठीक है, ये आपका फॉर्मूला होता है। तो ए के जगह पे आप कितना रखेंगे, 3 मीटर रखेंगे, तो हमारा कितना हो जाएगा, 3√3/2, ये आपका जो है से आएगा फॉर्मूला, ठीक है, 3√3/2। अब बात ये है कि से आप फॉर्मूले को बैठा सकते हैं, क्योंकि ट्रायंगल का आपका जो है से कितना होता है, ट्रायंगल का जो सेंट्रोइडल डिस्टेंस होगा, ट्रायंगल का जो सेंट्रोइडल डिस्टेंस होगा, एच डिस्टेंस, यानी कि हम इस साइड से अगर ऊपर की ओर लेते हैं तो ये डिस्टेंस आपका कितना होता है, तो एच बाई थ्री होता है, कितना होता है, एच बाई थ्री होता है, ठीक है। तो सी जी हमारा कितना हो जाएगा, तो एच एच कितना है, तो 3√3 और डिवाइडेड बाई 2, और नीचे में आपका 3 है, तो 3 से 3 मल्टीप्लाई, ये खत्म हो गया, √3/2 बच गया, तो यानी कि सी हमारा जो आया कितना, √3/2, √3 का वैल्यू कितना होता है, तो 1.732 हो जाएगा और डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा, तो इसका लगभग वैल्यू जो होगा 0.866 हो जाएगा, 0.866 हो जाएगा, ठीक है, जो कि इस चार ऑप्शंस में कोई नहीं आपको दिखाई दे रहा, ठीक है। तो आप जो है से इसमें कोई ऑप्शन टिक कर दीजिएगा तो भी बोनस मिलेगा, नहीं टिक कीजिएगा तो भी बोनस आपको मिलेगा, ठीक है। इसमें आपका जो से 6 नंबर यानी कि 7 नंबर और 8 नंबर क्वेश्चन गलत था, आपको क्लास में भी हमने डिस्कस किया था। अब आते हैं 8 नंबर क्वेश्चन पे। 8 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ अ सेमी सर्कल लाइज एट अ डिस्टेंस ऑफ फ्रॉम इट्स बेस, यानी सेमी सर्कल है, सेमी सर्कल का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है सेंटर से, ये रेडियस आर है आपका, तो सेंटर से ऊपर की ओर कितना डिस्टेंस पे होता है, तो हम कहें कि ये डिस्टेंस होता है 4r/3π, कितना होता है 4r/3π, तो 4r/3π आपको कोई है ही नहीं, ठीक है। तो आप मिलता जुलता आंसर सी टिक आउट कर सकते हैं, लेकिन आपको जरूरी भी नहीं है, करें ना करें ये आपके ऊपर है, बोनस तो वैसे ही मिलना है क्योंकि ये आपका चार ऑप्शन गलत हैं, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि फॉर एक्चुअल मशीन मैकेनिकल एडवांटेज इज, एक्चुअल मशीन के लिए अगर हम बात करें तो एक्चुअल मशीन के लिए एफिशिएंसी जो होता है वो आपका लेस देन, एफिशिएंसी जो है से लेस देन वन होता है, ठीक है। एफिशिएंसी बराबर आपका क्या होता है, तो मैकेनिकल एडवांटेज बटा में वेलोसिटी रेशियो, मैकेनिकल एडवांटेज बटा में वेलोसिटी रेशियो, जो कि हो जाएगा लेस देन वन, ठीक है। तो यहाँ से हम अगर कैलकुलेट करेंगे तो मैकेनिकल एडवांटेज इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, तो मैकेनिकल एडवांटेज लेस देन क्या हो जाएगा, वेलोसिटी रेशियो, मैकेनिकल एडवांटेज लेस देन क्या हो जाएगा, वेलोसिटी रेशियो, इधर वेलोसिटी रेशियो को ले जाकर के मल्टीप्लाई कर दिए। अब आइए, तो इसका मतलब ये हुआ कि मैकेनिकल एडवांटेज लेस देन वेलोसिटी रेशियो होता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैकेनिकल एडवांटेज इज तो लेस देन, यहाँ पे पुट कर देंगे तो लेस देन वेलोसिटी रेशियो, यानी कि लेस देन आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा कि फॉर अ सेल्फ लॉकिंग मशीन द एफिशिएंसी मस्ट बी, यानी कि आपका दो चीज़ें होता है, एक तो आपका होता है क्या, रिवर्सिबल, ठीक है, रिवर्सिबल, ठीक है, और दूसरा होता है आपका सेल्फ लॉकिंग, ठीक है, सेल्फ लॉकिंग। आपको बताया गया है कि से एफिशिएंसी के 50% से ज़्यादा और कम होने के आधार पर रिवर्सिबल और सेल्फ लॉकिंग का कैटेगराइजेशन होता है। जब आपका एफिशिएंसी 50% से ज़्यादा होता है तो उसको हम लोग रिवर्सिबल कहते हैं, और जब 50% से कम होता है तो हमको उसको सेल्फ लॉकिंग करना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया सेल्फ लॉकिंग का, ठीक ना, ये मशीन फॉर अ सेल्फ लॉकिंग मशीन द एफिशिएंसी मस्ट बी लेस देन 50%, यानी कि सेल्फ लॉकिंग के लिए आपको क्या होना चाहिए, 50% से कम होना चाहिए एफिशिएंसी, या फिर एफिशिएंसी जो है से लेस देन 1/2 होना चाहिए, 1/2 यही 50% परसेंट में अगर इसका वैल्यू लिखेंगे तो 100 से गुना करके लिखते हैं, ठीक है। और अगर यही रहता रिवर्सिबल, रिवर्सिबल रहता तो यही साइन आप लट देते तो आपका रिवर्सिबल हो जाता, ठीक है। यानी कि रिवर्सिबल मशीन्स के लिए एफिशिएंसी 50% से ज़्यादा और सेल्फ लॉकिंग मशीन के लिए एफिशिएंसी 50% से कम होना चाहिए, ये आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द वेलोसिटी रेशियो ऑफ अ सिंपल व्हील एंड एक्सल विथ डी, कैपिटल डी एंड स्मॉल डी एज द डायमीटर्स ऑफ द एफर्ट व्हील एंड द लोड एक्सल, यानी कि एफर्ट व्हील का जो आपका डायमीटर है कैपिटल है और लोड व्हील का जो है से स्मॉल डी है। तो अगर हम एक कंप्लीट रोटेशन अगर देते हैं एफर्ट व्हील को तो हमारा एफर्ट कितना दूर रन करेगा, जितना उसका परिधि होगा, तो परिधि अगर हम बड़े वाले यानी कि एफर्ट व्हील का निकालेंगे तो पाई इंटू कैपिटल डी हो जाएगा। और अगर हम ये देखें कि लोड व्हील जो है उसका कितना मूवमेंट होगा, चूँकि एक ही शाफ्ट पे दोनों माउंटेड रहता है, दोनों चल रहा होता है, तो एक रोटेशन अगर लेगा आपका एफर्ट व्हील तो लोड व्हील भी आपका एक रोटेशन लेगा। तो जैसे ये आपका पाई डी डिस्टेंस गया है तो लोड आपका कितना ऊपर उठेगा, तो पाई इंटू स्मॉल डी उठेगा, ठीक है। ये भी अपना एक रोटेशन लेगा तो उतना ही दूरी चलेगा, ठीक है।
अपने परिधि के बराबर। अब बात यह है कि इसे हम लोग वेलोसिटी रेशियो जो निकालते हैं, वेलोसिटी रेशियो बराबर होता है डिस्टेंस मूव रहा है या फैट टू द डिस्टेंस मूव रहा है लोड, ठीक है। तो पाई डी, ये पाई से पाई खत्म हो गया, तो कैपिटल डी बाई स्मॉल डी आपका आंसर हो गया, कैपिटल डी बाई स्मॉल डी आपका डी में आंसर है, आप इसको टिक आउट कर सकते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि हमारा ए स्क्रू जैक यूज फॉर लिफ्टिंग द लोड्स, यानी कि ए स्क्रू जैक जो है, स्क्रू जैक, पहले तो क्या आप इसको कमेंट में बताइए कि ये रिवर्सिबल है नॉन रिवर्सिबल है, ठीक है। तो स्क्रू जैक जो है ना वो आपका नॉन रिवर्सिबल मशीन होता है। स्क्रू जैक क्या होता है, नॉन रिवर्सिबल मशीन होता है, क्यों, क्योंकि स्क्रू जैक से अगर आप हेवी लोड को उठाते हैं तो जहाँ पे इसको छोड़ देते हैं एफर्ट लगाना, वो वहीं पे आपका उठ करके रहता है। आप हेवी गाड़ी वगैरह को उठा करके स्टेपिंग वगैरह चेंज करते हैं, यानी कि चक्का उक्का चेंज करते हैं, तो उस समय जैसे इसको जितना पे उठा के छोड़ देते हैं उतना दूर पे रहता है। कहीं कहीं घर पे भी आप देखते हैं कि घर भी उठा लिया जाता है स्क्रू जैक पे और उठा करके उसको उतना ही पे छोड़ दिया जाता है, ठीक है। तो ये अगर मान लेते कि रिवर्सिबल होता तो अगर जैसे ही हम लोग छोड़ते तो घर जैसे वापस अपना नीचे आ जाता है, यानी कि स्क्रू जैक को नीचे बैठा देता, ठीक है। तो ये जैसे रिवर्स में काम नहीं करता, स्क्रू जैक से रिवर्स में काम नहीं करता है एफर्ट लगाने पर, यानी कि आपको रिवर्स में काम कराने के लिए फिर से एफर्ट लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सेल्फ जैसे रिवर्स काम नहीं करेगा, ठीक है। तो स्क्रू जैक जैसे नॉन रिवर्सिबल मशीन का एग्जांपल होता है, ये आप लोग समझ सकते हैं। फिर है आपका कि ये बीम विच इज फिक्स्ड एट वन एंड फ्री एट द अदर एंड इज कॉल्ड, एक ऐसा बीम जो एक एंड पे फिक्स्ड किया गया है, जैसे मान लेते हैं कि ये आपका बीम है, ठीक है, ये आपका बीम है, इधर आपको फिक्स कर दिया गया है और इधर आपका फ्री है। तो इस तरह के बीम को हम लोग कांटीलीवर बीम कहते हैं, इस तरह के बीम को हम लोग क्या कहते हैं, कांटीलीवर बीम कहते हैं। कांटीलीवर बीम में आपका एक इंड जो है से फिक्स और दूसरा इंड फ्री रहता है। सेफ्टी सपोर्टेड बीम में एक इंड को हम लोग जो है से हिंज सपोर्ट देते हैं, दूसरी तरफ रोलर सपोर्ट देते हैं। ओवरहैंगिंग बीम में आपका जो है से बीम जो है से ओवरहैंग कर रहा होता है, ठीक है, यानी कि सपोर्ट बीच में आ जाता है, ठीक है, और बाहर निकला हुआ रहता है आपका बीम, जब सपोर्ट से बाहर निकल जाए तो उसको हम लोग ओवरहैंगिंग बीम के नाम से जानेंगे, ठीक है। अच्छा, फिर वहीं अगर हम फिक्स बीम की बात करें तो दोनों तरफ से जब इसको फिक्स कर दिया जाता है, बीम को जब दोनों तरफ से अगर आप फिक्स कर देते हैं तो इसको हम लोग फिक्स बीम के नाम से जानते हैं, इसी को हम लोग इनडिटर्मिनेट बीम भी कहते हैं, ठीक ना। फिक्स बीम को ही हम लोग क्या कहते हैं, इनडिटर्मिनेट बीम भी कहते हैं, ठीक है, क्योंकि ये जो है सिंपल स्टैटिक इक्विलिब्रियम का कंडीशन से ये सॉल्व नहीं होता है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि द नंबर ऑफ रिएक्शंस पॉसिबल एट द फिक्स सपोर्ट ऑफ अ बीम, यानी कि कोई फिक्स बीम है, ठीक है, ये फिक्स सपोर्ट हमने दे दिया बीम को, बीम जो से हमने फिक्स कर दिया, ठीक है। तो इस पर कितने रिएक्शंस पॉसिबल हो सकते थे, एक तो आपका वर्टिकल रिएक्शन आ जाएगा, ठीक है, एक आपका वर्टिकल रिएक्शन आ जाएगा और दूसरा आपका जो है ये वर्टिकल रिएक्शन, एक हॉरिजॉन्टल रिएक्शन और एक आपका मोमेंट, यानी कि तीनों आ जाएगा, ठीक ना, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल और मोमेंट तीनों रिएक्ट करेगा, ठीक ना, क्योंकि वर्टिकल डायरेक्शन में भी मोशन होने से रोकेगा और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में भी मोशन होने से रोकेगा और इसको घूमने से भी रोकेगा। तो घूमने से रोका तो इसका मतलब है कि मोमेंट रिएक्शन दिया, और हॉरिजॉन्टल में चलने से रोका तो इसका मतलब है कि हॉरिजॉन्टल रिएक्शन दिया, और वर्टिकल डायरेक्शन में चलने से रोका तो इसका मतलब है कि वर्टिकल रिएक्शन दिया, ठीक है। तो तीन रिएक्शन देता है कौन, तो फिक्स सपोर्ट जैसे थ्री रिएक्शन देगा, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि द मोमेंट ऑफ फोर्स अबाउट अ पॉइंट इज, यानी कि किसी फोर्स का मोमेंट किसी पॉइंट के अबाउट क्या होगा। तो ये मोमेंट ऑफ फोर्स पूछा है, तो मोमेंट ऑफ फोर्स जैसे बाउंड वेक्टर आपका होता है किसी पॉइंट के अबाउट, ठीक ना, वेक्टर होता है पहले तो कि किसी पॉइंट के अबाउट मोमेंट ऑफ फोर्स जैसे वेक्टर होता है, और वेक्टर होता है तो कैसा वेक्टर होता है, तो बाउंड वेक्टर होता है, ठीक है। अगर पूछता है मोमेंट ऑफ कपल, कपल जैसे फ्री वेक्टर होता है, मोमेंट ऑफ कपल क्या होता है, फ्री वेक्टर होता है, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि द कंकरेंट फोर्सेस आर दोज फोर्सेस हुज लाइन ऑफ एक्शंस, यानी कंकरेंट फोर्स की बात करें तो इस तरह के फोर्स को आप कंकरेंट फोर्स कहते हैं, इस तरह के फोर्स को आप क्या कहते हैं, कंकरेंट फोर्स कहते हैं। तो देख रहे हैं कि ये सारे फोर्स जो से एक पॉइंट पे मीट कर रहे हैं, एक पॉइंट से निकलता हुआ प्रतीत हो रहा है, ठीक है। तो यानी कि इनका लाइन ऑफ एक्शन जैसे किसी एक पॉइंट पे मिलेगा, मीट करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप चूज कर लीजिए ऑप्शन क्या आ जाएगा, मीट एट वन पॉइंट, द कंकरेंट फोर्सेस आर दोज फोर्सेस हुज लाइन ऑफ एक्शन मीट एट वन पॉइंट, यानी कि बी ऑप्शन आपका सही हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि द स्प्लिटिंग ऑफ अ फोर्स इनटू टू परपेंडिकुलर डायरेक्शंस विदाउट चेंजिंग इट्स इफेक्ट इज कॉल्ड, यानी कि
कोई फोर्स है, ठीक है, ये आपका कोई फोर्स है, इसका दो कंपोनेंट लेते हैं, ये एक्स के डायरेक्शन में, एक हमने वाई के डायरेक्शन में, एक्स और वाई इसलिए लिया क्योंकि ये एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर होते हैं, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन में यही कहा कि इनटू टू परपेंडिकुलर डायरेक्शन, तो किसी भी फोर्स या किसी भी वेक्टर का अगर परपेंडिकुलर म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन में अगर आप कंपोनेंट करते हैं तो उस तरह के कंपोनेंट को हम लोग क्या कहते हैं, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। उस तरह के क्या कंपोनेंट को क्या कहते हैं, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट या ऑर्थोगोनल कंपोनेंट कहते हैं, ठीक है, रेक्टेंगुलर या ऑर्थोगोनल कंपोनेंट कहते हैं। और साथ ही साथ इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस कहते हैं। इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहेंगे, रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस कहेंगे, ठीक ना। यानी कि एक फोर्स को दो अलग अलग डायरेक्शन में तोड़ देना क्या कहलाता है, रिजोल्यूशन ऑफ फोर्स कहलाता है, ठीक है। और दो फोर्स को अगर आप जोड़ करके रिजल्टेंट निकाल देते हैं, इसको प्रोसेस को हम लोग कंपोजिशन ऑफ फोर्स कहेंगे, ठीक है, प्रोसेस ऑफ कंपोजिशन ऑफ फोर्स कहेंगे। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि विच इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी, इनमें से कौन जो है वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। मोमेंटम आपका वेक्टर है, एक्सेलरेशन आपका वेक्टर है, एनर्जी जो है आपका स्केलर क्वांटिटी है, एनर्जी आपका क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, ये आपका वेक्टर नहीं है। फोर्स आपका वेक्टर क्वांटिटी होता है, इम्पल्स आपका वेक्टर क्वांटिटी होता है, मोमेंटम आपका वेक्टर, वेलोसिटी आपका वेक्टर हो जाता है, ठीक है, एनर्जी पावर ये सब जैसे आपका स्केलर क्वांटिटी होता है, स्पीड भी स्केलर हो जाता है, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट आपका वेक्टर हो जाता है। तो कुछ कुछ आप वेक्टर और स्केलर को याद रख सकते हैं, आपको जितना लिखवाया गया उतना याद रखें तो काम चल जाएगा। फिर आपका कि इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर हैव नंबर ऑफ अननोन्स, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर है जो कि हमने क्वेश्चन कई बार इसको लाया भी है दिमाग में, तो इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर किसको कहेंगे, यानी कि अननोन्स की संख्या, अननोन्स की संख्या जो है ज़्यादा होना चाहिए अवेलेबल कंडीशन से, ठीक ना। अवेलेबल कंडीशन अगर तीन है तो अननोन आपका चार अगर है तो ये कभी भी सॉल्व नहीं होगा। जैसे मान लेते हैं कि इसे ए एक्स प्लस बी वाई बराबर सी, यहाँ पे x और y अगर दो वेरिएबल्स हैं तो इसको हम लोग सॉल्व नहीं कर पाएंगे, इसको हम लोग सॉल्व नहीं कर पाएंगे, यानी कोई एक वैल्यू ये नहीं देगा, ठीक है। यही अगर दो इक्वेशन रहता ए एक्स प्लस बी वाई ए वन एक्स प्लस बी वन वाई बराबर सी वन, ये दो इक्वेशन रहेगा तो यहाँ से x और y का एक यूनिक वैल्यू आ सकता है, ठीक ना। यानी कि कोई भी इक्वेशंस या कोई भी स्ट्रक्चर सोल्व हो यानी कि डिटर्मिनेट हो उसके लिए ये होना चाहिए कि अननोन कंडीशन अवेलेबल कंडीशंस के कम से कम बराबर हो, ठीक ना, नोन क्वांटिटीज जो है अवेलेबल कंडीशंस के बराबर हो या फिर उससे कम हो, ठीक ना, अननोन क्वांटिटी जो है कम होनी चाहिए किससे, अवेलेबल कंडीशन से, तब जैसे वो सॉल्व हो जाएगा या निकल जाएगा, ठीक है। लेकिन इसमें आपका क्या पूछा है कि इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर किसको कहेंगे, तो इनडिटर्मिनेट के लिए आपका अननोन क्वांटिटी क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए, मोर देन अवेलेबल कंडीशन। अवेलेबल कंडीशन से ज़्यादा रहेगा तो इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर कहेंगे, अवेलेबल कंडीशन से कम रहेगा तो उसको हम लोग कहेंगे यानी कि सॉल्व होने वाला सॉल्वेबल स्ट्रक्चर हो जाएगा, ठीक है, या डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर हो जाएगा, या फिर इक्वल टू भी रहेगा तो भी आपका डिटर्मिनेट हो जाएगा, ठीक है, यानी कि लेस देन इक्वल टू रहेगा तो डिटर्मिनेट हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अकॉर्डिंग टू लेमिस थ्योरम, यानी कि लेमिस थ्योरम जैसे क्या कहता है, तो लेमिस थ्योरम आपका जो है पहला तो कि लेमिस थ्योरम का कंडीशन ये है कि से ये कंकरेंट कोप्लेनर फोर्स के लिए एप्लीकेबल है, कंकरेंट कोप्लेनर फोर्स के लिए एप्लीकेबल है जो किसी एक बॉडी पे लग रहा हो, ठीक है, और साथ ही साथ ये कोप्लेनर होना चाहिए, कंकरेंट कोप्लेनर फोर्स होना चाहिए, साथ ही साथ दो फोर्स के बीच में 180 डिग्री से कम एंगल बनना चाहिए, और ये इसके फोर्स लगने के बावजूद भी बॉडी जो है से इक्विलिब्रियम में होना चाहिए। ये तीन चार कंडीशन है जिस पे आपका लेमिस थ्योरम लगता है, इस तरह के तीन फोर्सेस होने चाहिए, ठीक है। इसका जो स्टेटमेंट है कि ये फोर्स जो होगा ये बाकी दो का जो एंगल है उसके साइन के प्रोपोर्शनल में होगा, यानी कि एफ अगर मान लेते हैं ये अल्फा है, ये आपका बीटा है, और ये आपका अगर गामा है तो एफ वन जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है साइन अल्फा के, और एफ टू जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन बीटा, और एफ थ्री जो है साइन गामा के प्रोपोर्शनल हो जाएगा, इस तरह से होता है, ठीक है। तो आप ये भी कर सकते हैं कि एफ वन बटा साइन अल्फा बराबर एफ टू बटा साइन बीटा बराबर एफ थ्री बटा साइन गामा भी कर सकते हैं कंडीशन सॉल्व करने के लिए, ठीक है, याद रख सकते हैं। अच्छा, आपसे पूछा है क्या
कि से लेमिसोरम बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम कंडीशन इफ ईच फोर्स अमंग थ्री कोप्लेनर एंड कंकरेंट फोर्सेस आर प्रोपोर्शनल टू साइन एंगल बिटवीन अदर टू। ये सही आपका सी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा, ठीक है। कोप्लेनर कंकरेंट फोर्सेस, कोप्लेनर कंकरेंट फोर्सेस सी आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए तो ये था आज का ऑब्जेक्टिव सेशंस, तो आप इसको उम्मीद है कि से ये सारी चीज़ें समझ में आ रहा होगा और साथ ही साथ सब्जेक्टिव आपको काफ़ी हद तक बताया गया, तो आप इसको सॉल्व भी कर सकते हैं अपने से, ठीक है। प्रैक्टिस जितना ज़्यादा कीजिएगा उतना ही ज़्यादा इसमें आपको नंबर आने के चांसेस हैं, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू।